नेक्स्ट आता है परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर। तो इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या हैं? इसमें भी एनसेड्स और पीयूडी की हिस्ट्री होगी, जो एब्डोमिनल पेन होती है। ठीक, सडन ऑनसेट होता है पेन, एब्डोमिनल पेन का। एब्डोमिनल मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्शन, या तो रिस्ट्रिक्टेड होंगी या एबसेंट होगी रेस्पिरेशन के साथ। ठीक, एब्डोमिनल मूवमेंट्स विद रेस्पिरेशन या तो रिस्ट्रिक्टेड होंगी या एबसेंट होंगी। टैकीकार्डिया होगा, बोर्ड रिजिडिटी होगी, बोर्ड लाइक रिजिडिटी। बावल साउंड्स भी नहीं आ रही होंगी, रीबाउंड टेंडरनेस होगी। एक्सरे भी हमें गैस अंडर डायफ्राम मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है उसने 60 ईयर का है, स्मोकर है, सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन है, मेडिकेशन ले रहे हैं, मतलब एनसेड्स ले रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, जनरलाइज्ड पेन है, वॉमिटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 में 30 ईयर का मैन है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, पेन किलर्स ले रहा है। उसको राइट बटक में एब्सेस डिवेलप हो गई है, एब्सेस डिवेलप हो गई थी, उसके लिए उसने काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशन लिए हैं पेन किलर्स, तो एनसेड्स ही होते हैं। रेडियोग्राफ में एयर अंडर डायाफ्राम है। क्वेश्चन नंबर 3 में 50 ईयर ओल्ड है, एनसेड्स है, उसने नी आर्थराइटिस के लिए एनसेड्स ले रहा है, सडन ऑनसेट है सीवियर सर एब्डोमिनल पेन का। पल्स उसकी 120 है, बीपी उसका लो है, शॉक लाइक सिम्टम्स हैं, एब्डोमेन टेंस है, टेंडर है, बावल साउंड एब्सेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में एनसेड ले रहा है नी आर्थराइटिस के लिए, एक्यूट ऑनसेट है, मतलब सडन ऑनसेट है एब्डोमिनल पेन का, स्प्रेड कर जनरलाइज्ड है, डिहाइड्रेटेड है पेशेंट, एब्डोमेन टेंस्ड है, टेंडर है, एब्सेंट बावल साउंड है, पेशेंट शॉक लाइक कंडीशन में है, पल्स उसकी 100 है, पल्स नॉर्मल ही है, बीपी उसका लो है। इसके बाद आर्थराइटिस हुआ है बहुत नीज़ का। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है उसके लिए वो डिक्लोफेंस सोडियम ले रहा है पेन रिलीफ के लिए, मतलब एनसेड्स ले रहा है। एमरजेंसी में है, सडन ऑनसेट है, एब्डोमिनल पेन है सिंस मॉर्निंग, पेन कंटिन्यूस है, गेट वर्स हो रही है, पल्स उसकी 110 है, बीपी उसका लो है, शॉक के सिम्टम्स हैं, होल एब्डोमेन जनरलाइज्ड, एब्डोमेन टेंडर है, टेंस है। आगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, कॉम्प्लिकेशंस बताएं, ट्रीटमेंट बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 में 50 ईयर है, स्वियर पेन है अपर एब्डोमेन में, एपिगेस्ट्रिक पेन की हिस्ट्री भी है, मतलब उसको पीयूडी है, पल्स उसकी 120 है, एब्डोमेन डिस्टेंशन है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में एनसेड ले रहा है, 5 ईयर से सडन स्वियर पेन है एपिगेस्ट्रियम में, पल्स की 124 है, टैकीकार्डिया है, एब्डोमेन टेंस है, टेंडर है। क्वेश्चन नंबर 9 में एनसेड ले रहा है, वो 10 साल से सडन पेन है हो रही है एपिगेस्ट्रियम में, पल्स रेट 120, टैकीकार्डिया है, उसको एब्डोमेन टेंस, टेंडर है। एनसेड्स का की क्या सिग्निफिकेंस होती है, एनसेड कैसे परफोरेटेड में करता है? तो सिग्निफिकेंस क्या है एनसेड्स क्या, एनसेड्स ना कॉक्स रिसेप्टर इंजाइम्स होते हैं ना, उनको इनहिबिट कर देता है। जब कॉक्स रिसेप्टर इंजाइम्स होते हैं उनकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। अब जब ये इनहिबिट हो जाएंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा और वो तो साइटोप्रोटेक्टिव होता है, स्टमिक में वो प्रोटेक्शन क्रिएट करता है। जब वो नहीं होगा तो स्टमिक है ना, उसमें जो एसिड है वो स्टमिक की वॉल पर अटैक करेगा और परफोरेशन हो जाएगी। इन इन पेशेंट्स में हम जो देते हैं ना कॉक्स टू इनहिबिटर स्पेसिफिक देते हैं, कॉक्स टू इनहिबिटर्स देते हैं, स्पेसिफिक कॉक्स टू इनहिबिटर्स, ठीक है, सेलिकॉक्सिब वगैरह। इसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स के इंसिडेंस हैं कम हो जाते हैं। इसमें हम जो रेडियोग्राफ लेते हैं वो कौन कौन से लेते हैं, अपराइट और इरेक्ट व्यू लेते हैं। पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट और पेन जो होती है उसको कैसे मैनेज करते हैं, तो WHO एनजेसिया, जो एनजेसिया लेडर है उसके अकॉर्डिंग ना हमें PPIs देने हैं। PPIs के साथ ना कम्बिनेशन करते हैं माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर पेन में, ठीक है। माइल्ड में PPIs के साथ पैरासिटामोल या हमने उसको सेलेक्टिव कॉक्स टू सेलेक्टिव इनहिबिटर्स देने हैं, जैसे सेलिकॉक्सिब। और अगर तो मॉडरेट है तो PPIs के साथ हमने PPIs के साथ ट्रेमाडोल और कोडीन या कोडीन दे देनी है। अगर सीवियर है तो मॉर्फिन दे देनी है PPIs के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था कि GI अपर GI ब्लेड किसे कहते हैं, जो लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स होता है ना उससे ऊपर ऊपर जितने भी GI की ब्लीडिंग होती है उसे अपर GIT ब्लीड कहते हैं। एमरजेंसी मैनेजमेंट इसकी सेम है जो हमने ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर की पढ़ी थी, रिससिटेशन थी जिसमें। इसके कॉजेज जो होते हैं पर GI ब्लीड के, इसमें गैस्ट्रिक कॉजेज होते हैं और इसोफेजियल कॉजेज होते हैं। गैस्ट्रिक कॉजेज में इसमें या तो इन्फेक्शन हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है या अल्सर, PU जो गैस्ट्रिक है उसमें पेप्टिक अल्सर मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा उसी का गैस्ट्राइटस इन्फेक्शन हो सकता है और कार्सिनोमा हो सकता है। जिस तरह इसका इन्फेक्शन और कार्सिनोमा था इसी तरह इसोफेजाइटस में उसका इन्फेक्शन हो सकता है और इसोफेजियल का कार्सिनोमा हो सकता है। इसोफेजियल वायरसेस है और मेलरी बीज टीयर है। परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर में जो एब्डोमिनल फाइंडिंग्स होती हैं उसमें क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था क्या, जो सारे सिनेरियोस पढ़े थे उसमें क्या था,
एपिगैस्ट्रिक पेन थे जो रेडिएट कर रहे थे बैक पे, थॉरेक्स और अदर एब्डोमिनल एरियाज, मतलब हर जगह बैक, थॉरेक्स और अदर एब्डोमिनल एरियाज। इसके अलावा जो एब्डोमिन है टेंस है, टेंडर है, टेंडर है, टेंस है और गार्डिंग है, रीबाउंड टेंडरनेस भी होती है। इसके अलावा एब्सेंट बाउल साउंड है और मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है, मूवमेंट्स नहीं हो रही थी, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स एब्सेंट थी। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर की बात कर लें तो सीआर के पास एमबी आए हैं, एमबी पीजीआर हैज एमबी, पी से क्या परफोरेटेड, जी से क्या परफोरेशन, जी से क्या गू, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन जिसे हम पाइलोरिक स्टिनोसिस भी कहते हैं, ठीक है, और आर से क्या रिकरेंस हो सकता है, एम से क्या मेलिग्नेंसी, बी से ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर। क्लिनिकल फीचर हमने देख लिए थे, इसमें एनसेट की हिस्ट्री होती है, जनरलाइज एब्डोमिनल पेन होती है, टेंडर बोर्ड लाइक रिजिडिटी होती है, शॉक लाइक कंडीशंस होती हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशंस की बात कर लें तो इसमें हमने रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस अलग क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें हमने एक्सरे चेस्ट कराना है इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट कराना है खड़े होकर, स्पाइन नहीं कराना, इरेक्ट कराना है। इसके अलावा सीटी स्कैन, ये जो दो रेडियोलॉजिकल हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात कर लें तो सबसे पहले तो इसका जो डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल होता है, इसकी फाइंडिंग से पता चल जाता है। दूसरा इसमें हमने करानी है दो रेडियोग्राफी है, एक्सरे चेस्ट इरेक्ट कराना है, सीटी स्कैन है, और इसके अलावा गैस्ट्रो ड्यूडिनोस्कोपी करा सकते हैं। मैंने कहा था किसी भी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमने बिब से कर सकते हैं, तो ब्लड एग्जामिनेशन में हमें इसकी क्या निकलेगा, इसमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी ब्लड एग्जामिनेशन में, ब्लड में हम सीरम अमाइलेज का लेवल चेक कराएंगे, ठीक है, और इमेजिंग में हम सब तीनों चीज़ें करा लेंगे, एक्सरे सीटी और अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा गैस्ट्रो ड्यूडोनोस्कोपी। इसमें एक क्वेश्चन है कि एमाइलेज इसमें हम इंडिकेटेड है, यस इंडिकेटेड है, क्योंकि इसको एमाइलेज हम कराते हैं पेंक्रियाटाइटिस को रूल आउट करने के लिए, अगर 4 टाइम्स नॉर्मल से ज़्यादा हुआ हो एमाइलेज तो पेंक्रियाटाइटिस होता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात कर लें तो ये इमरजेंसी है, तो इसमें सबसे पहले हॉस्पिटल एडमिशन एंड रिससिटेशन करेंगे पेशेंट को, इसकी ठीक है, हॉस्पिटल एडमिशन एंड रिससिटेशन करेंगे। उसमें क्या है, मैंने कहा क्या कहा था आपको, सबसे पहले हमने उसको फ्लूइड्स देने हैं, उसके वाइटामिन ठीक करने हैं, एनजी एस्पिरेशन करनी है, कैथेटराइजेशन कर देनी है, एंटीबायोटिक्स देनी है, एनाल्जेसिक्स दे देनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है, उसके बाद ना हमने लेप्रोटमी कर देनी है। लेप्रोटमी हमने करनी है, तो लेप्रोटमी के लिए हमने एनेस्थीजिया देना है, तो एनेस्थीजिया में जो भी इन्वेस्टिगेशन हमें रिक्वायर्ड होती है ना उसकी फिटनेस, एनेस्थीजिया की फिटनेस के लिए, तो वो कराएंगे हम। लेप्रोटमी करनी है, लेप्रोटमी में ना हमने फ्लूड पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूड एस्पिरेशन करनी है और नॉर्मल से लाइन से उसे वॉश कर देना है, ठीक है, लेप्रोटमी करनी है, लेप्रोटमी में हमने फ्लूड उसको एस्पायर कर देना है और नॉर्मल से लाइन से वॉश कर देना है। उसके बाद हमने दो मेथड करने हैं, अगर तो स्मॉल परफोरेशन है तो हमने मेंटल पैच से क्लोयर कर देना है, अगर तो मैसिव परफोरेशन है तो उसके लिए हमने डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी विद रू एंड वाई रिकन्स्ट्रक्शन कर देनी है, ठीक है। इसमें सबसे मैंने पेशेंट को रिससिटेट कर लिया, इन सीजे के लिए फिटनेस करा ली, इन्वेस्टिगेशन और से ओटी में ले गए, उसको जनरल एनेस्थीजिया दिया, उसके लिए लेप्रोटमी की, लेप्रोटमी के बाद उसको वॉश कर लिया और एस्पायर कर लिया फ्लूड और नॉर्मल सलान से वॉश कर लिया, उसके बाद हमने पैचिंग कर दी उसकी। और सब ऑफ हमने पेशेंट की केयर भी करनी है, उसमें भी हमने फ्लूड्स देने हैं, उसको एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक्स देने हैं और पीपीआईएस देने हैं, और अगर एच पायलोरी का इन्फेक्शन है तो उसमें रेडिकेशन थेरेपी भी करनी है।